लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। होटल में चल रहा बेखौफ देह व्यापार का धंधा, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली को देह व्यापार का अवैध कारोबारी बदनाम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली, भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर नारी देह के सौदागरों के चंगुल में फंसी जा रही है। इंटरनेट व संगठित रैकेट के सहारे चल रहे अनैतिक गतिविधियों ने इस पवित्र धरती पर बदनामी के छींटे पड़ने लगे हैं। बीते साल पुलिस द्वारा कई गिरफ्तारियां इसकी पुष्टि करती हैं, लेकिन इसको मूल से समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तमाम होटल गेस्ट हाउस अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, जिसके पीछे पुलिस की मिलीभगत बताई जा रही है। गेस्ट हाउस कमाई का मुख्य जरिया बन गया है। सूत्र बताते हैं कि कुशीनगर व उसके आसपास 50 से ज्यादा होटल व गेस्ट हाउस स्थित हैं। बड़े व कुछ अच्छे होटलों की बात की जाए कि छोड़ दी जाए तो तमाम होटलों व गेस्ट हाउस की आय का मुख्य जरिया देह व्यापार है। अवैध संचालित हो रहे कई गेस्ट हाउस, सूत्रों की बात पर गौर किया जाए तो कुशीनगर और उसके आसपास स्थित कई गेस्ट हाउस व होटल अवैध तरीके से संचालित होते हैं। सूत्रों की मानी जाए तो कुशीनगर में सेक्स रैकेट चलाने वाले के लिए इंटरनेट एक सशक्त माध्यम बन गया है। होटल व गेस्ट की नियमित जांच जरूरी। बुद्धिजीवियों और समाज के प्रति चिंतित लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पर चल रहे इस अनैतिक गतिविधि को रोकने के लिए होटल व गेस्ट हाउस की नियमित जांच होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो यह अवैध कारोबार पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है। पुलिस देह व्यापार के अवैध कारोबारियों से मोटी रकम हफ्ता के रूप में वसूल करती है। यूपी के जनपद कुशीनगर से राजेश कुमार पासवान की रिपोर्ट।